सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो आपको बता दें कि सिनेमा हॉल में अचानक आग लगने की खबर सामने आ रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये जो बड़ी खबर सामने आई है बलरामपुर से है, जहाँ इंडिया फैमिली मार्ट के ऊपर जो T2 सिनेमा हॉल है यहाँ अचानक आग लग गई है और 48 घंटे से बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते ये बंद था। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत इस दौरान की गई है आग पर काबू पाने के लिए। किस वजह से इस दौरान आग लगी है इसका पता लगाया जा रहा है। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची है और इस पूरे मामले की जांच भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। अज्ञात कारणों के चलते या अचानक आग लगने की खबर सामने आई है, कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 48 घंटे से बताया जा रहा है कि सिनेमा हॉल बंद था लॉकडाउन के चलते, तो इस दौरान किसी की जनहानि की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। तो वही लाखों का नुकसान इस दौरान हुआ है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची है और कड़ी मशक्कत आग बुझाने में की गई। काफी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन तिवारी जुड़े हुए हैं। पवन, ये सिनेमा हॉल में आग लगने की ये जो घटना सामने आई है, जो मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ कारण बताया जा रहा है आग लगने का? जी अर्थात बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि चूंकि ये आग जनी जो हुई ये बताया गया शॉर्ट सर्किट की वजह से, पीछे ट्रांसफार्मर था इसकी वजह से आग लगी। चूंकि ऊपर सिनेमा घर था, नीचे मार्ट चला था, वन इंडिया फैमिली मार्ट, जो पूरा मार्ट है उन्हीं का था, T2 का था, जो सपा के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो जो मेन वजह सामने आई वो यही पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। जी जी पवन, नुकसान की अगर बात की जाए तो इस दौरान क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्या कुछ आकलन किया गया? जी बिल्कुल, जैसा कि बताया गया कि चूंकि ऊपर एक सिनेमा हॉल था लेकिन नीचे फैमिली मार्ट था, तो चूंकि लॉकडाउन की वजह से 48 घंटे लॉकडाउन की वजह से पूरा बंद था, तो कर्मचारी ना होने के कारण कुछ कमरों में भी आग लगी, जिसके बाद में दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची और बुझाया गया। कर्मचारी फोन पे आए पहुंचे लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये माना जा रहा है कि लाखों का नुकसान हो चुका है, कपड़े जो भी थे वो जल चुके हैं। इस दौरान जिसका ये बताया जा रहा है सिनेमा हॉल, उनका मगर क्या कुछ कहना है सिनेमा मालिक का? यही कहना उनसे जब इस विषय में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेन वजह जो रही है वो शॉर्ट सर्किट की वजह ही रही। पीछे जब अगर पीछे देखा जाए तो ट्रांसफार्मर था जिसमें किसी कारणवश आग लग गई, तो वही उनका, चूंकि पूरा स्टाफ भी उनका नहीं था, तो उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है लेकिन अब वो। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद पवन तिवारी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आग लगने की घटना ये सामने आई है, इसी के नीचे इंडिया फैमिली मार्ट था जहां पर ये T2 सिनेमा हॉल बताया जा रहा है, इसमें अचानक आग लगी, ट्रांसफार्मर बताई जा रही है आग लगने की वजह। इस दौरान सिनेमा मालिक का कहना है कि 48 घंटे से लॉकडाउन लगा हुआ था और सिनेमा हॉल बंद था, तो इस दौरान कोई भी कर्मचारी वहां मौजूद नहीं थे, तो जनहानि इस दौरान नहीं हुई है लेकिन लाखों का नुकसान इस दौरान हुआ है।